गोस्वामी जी, ये तो कोई शक नहीं कि मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं। मेरा जीवन कांग्रेस में निकला और आपको याद होगा 93 के अंदर जब कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा था और बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हो रहे थे तो हिंदुस्तान के सारे बॉर्डरों को मैंने घेर लिया था। 2-2 लाख की भीड़ लेकर के वाघा बॉर्डर, कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे वंदे मातरम और तिरंगे झंडे लेकर के। और उसके बाद जब अफजल को फांसी का फैसला आया तो गुलाम नबी आजाद गुलाम हो गया, गुलाम का, कश्मीर का, और कह दिया अफजल को अगर फांसी होगी तो यहां आग लग जाएगी। पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के संविधान का सबसे बड़ा मंदिर, यहां कांग्रेस, यहां बीजेपी, यहां सीपीएम, यहां सीपीआई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, समाजवादी पार्टी, सबको कत्लेआम करने की साजिश थी। और उसके बाद जब वोट बैंक की राजनीति आती है, जब सत्ता की राजनीति आती है तो क्या होता है, फिर इनको राष्ट्र भूल जाता है, इनको पार्लियामेंट का अटैक भूल जाता है, चले जाते हैं वोट और सत्ता की तरफ। और याद रखिए 370 धारा, जो फैसला हो चुका है वो अटल है, किसी के माई के लाल की आने वाले टाइम पे हिम्मत नहीं है कि 370 धारा के को छेड़छेड़ कर दे। ये आज का भारत है, ये आज का भारत है। सवाल वो नहीं है कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई का, सवाल सबसे बड़ा जो आप सवाल उठाते हैं, गोस्वामी जी, जिंदा शहीद गोस्वामी जी, प्रथम राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र, सत्ता के जयचंद कौन है बिट्टा जी? जी बोलिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही है। कौन है जयचंद बोलो, अरे बोलो कौन है जयचंद? मैं जवाब देता हूँ, कौन है जयचंद? कौन है जयचंद? भारतीय जनता पार्टी, कौन है ये? वही भारतीय जनता पार्टी है। कौन है जयचंद? जिसे सत्ता के लिए पंजाब में, जिसे सत्ता के लिए करा दिया, जिसने पंजाब में कत्लेआम करा दिया आपने, समझौता किया, 370 धारा हटा दी, जवानों को शहीद किया जाता था, जवानों को कत्लेआम किया जाता था, तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता था। आज 370 धारा के ऊपर आपको तकलीफ होती है? 370 धारा, संविधान एक, जनगणमन एक, राष्ट्र झंडा एक, इसको भारत कहते हैं, इसको भारत कहते हैं। अरे और देखिए, खौफ नहीं बिट्टा साहब, वफा से डरते हैं बिट्टा साहब, कोई में जस्टी है बिट्टा साहब, आर्मी में काम किया है, डिसिप्लिन बिट्टा साहब, क्या बोल रहे हो यार? बीजेपी हो, बोलो, एक मिनट, शांत हो जाओ, किसी भी बिट्टा साहब, एक मिनट, पहली बात रेंजुशा, सवाल मेरा आपसे है, मगर सवाल को सुन के जवाब दो रेंजुशा, सवाल को सुन के जवाब दो, इतनी जल्दी क्या है? कौन था जयचंद आ गया? अरे जयचंद तो देखो पार्टियों के अंदर, चिदंबरम जयचंद, ये कपिल सिब्बल जयचंद, जो गोस्वामी के खिलाफ कोर्ट में पेश हुआ था, ये आतंकवादियों के लिए जिसने दिल्ली में बम चलाया था, बुल्लर ने उसके लिए पेश हुआ था कपिल सिब्बल, वो राम जन्मभूमि, ये कपिल, ये कश्मीर नहीं, ऐसे जयचंद किसमें है कांग्रेस में? ऐसे जयचंद है ये बिट्टा साहब, एक मिनट, कौन से हक की बात करते हैं आप? कौन से हक की बात करते हैं? क्या आपने तिरंगे झंडे का मान सम्मान किया? मैं पूछना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे को जब आग लगाई जाती थी, जब जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, वो जवान जब आपके भाड़ाई कश्मीर के अंदर, जब हर हमारा भाई बहन उन जवानों ने सीने पे लगा करके मौत का कफन बांध करके हर व्यक्ति को बचाया था, उन जवानों के लिए आप खड़े हुए? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसने हमारी माए कश्मीर के अंदर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों को बचाया था, क्या उन जवानों के लिए खड़े हुए आप?
पूछना चाहता हूं, क्या तिरंगे झंडे के अपमान हुआ? क्या आप खड़े हुए? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप तिरंगे झंडे को मानते हैं या नहीं मानते? सीधी बात है, देश के साथ देश के खिलाफ बिंडा साहब पूछे, बिंडा साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बिंडा साहब बिल्कुल पॉइंट पे सवाल बिंडा साहब ने कहा कि क्या आप देश के साथ है कि खिलाफ है, क्या तिरंगे के साथ है कि खिलाफ है, क्या संविधान के साथ है कि खिलाफ है, क्या राष्ट्र के साथ है कि खिलाफ है? बोलिए, क्योंकि आपको पूछना है सारा भारत, आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा आप देश के साथ है कि खिलाफ है। एमएस बिंडा डिबेट में सवाल पूछ रहे हैं, उल्टे साइड को कश्मीर से कोई जवाब नहीं आ रहा। बिट्टा साहब, दुकानदारियां बंद हो गई, आम व्यक्ति का राज होगा कश्मीर के अंदर, और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें हक दिया था हमारी जमीन पे, संविधान ने हमें हक दिया था हमारी नौकरियों पे। जनरल बख्शी साहब ने आपको बता दिया, शास्त्री ने दुख बता दिया, जवाहरलाल नेहरू ने रात बदला भारत के खिलाफ जब की शहादत होती थी तो आप कहां थे? बताइए, आपने बताइए, इसने कहा भारत के खिलाफ क्या कहा? इसने कहा भारत होता था, बार बार पूछता हूं कहां थे? मैनिफेस्टो नहीं होता, इसने क्या बोला भारत के साथ के खिलाफ? आज खुलकर गए उस तिरंगे झंडे के साथ, ये गांधी का मुल्क है, गोड से भारत मां के साथ, अरे देश के साथ हो तो आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ हो। बताइए, मुझे पूछना है भारत, आपको पोजीशन लेनी होगी ना, इधर उधर की बात चलेगी। आज सवाल सबसे बड़ा ये है, जनरल बख्शी साहब हो या दूसरे जनरल हो, दो जनरल बैठे आपके साथ, तीसरा मैं बैठा हूं एक आम आदमी, ना मेरी को पार्टी, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र, जो गोस्वामी जी आपका धर्म है प्रथम राष्ट्र, बंदे मात्र मेरा वो है, पार्टियां पूटियां सब बाद में होती हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, अरे इतना बड़ा फैसला कर दिया, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, अमित शाह किसी पार्टी का नहीं, 370 धारा उखाड़ करके फेंक के वो मारी। आज मुझे बताओ गोस्वामी जी, कितने जवानों की शहादत होती है? आज आतंकवादी मारे जाते हैं, 10 आतंकवादियों को मारा जाता है, 2 शहीद होते हैं मातृभूमि की क्षमाओं की रक्षा के लिए। क्या होता था पहले? मेरे आपके हिंदुस्तान के खून पसीने का पैसा कश्मीर में जाता था, ये ब्लैकमेलिंग करते थे, और ये क्या करते थे, बॉम्बे में फ्लाइट पकड़ के, दिल्ली में फ्लाइट पकड़ के, पिक्चर देख के, फाइव स्टार होटल में रुक करके हमारे खून पसीने के पैसे से कश्मीर में जाके दिल्ली में मजे लेते थे। जैसे बख्शी साहब ने बोला, दुकानदारियां खत्म हो गई, भूख मरी इन्होंने बना रखी थी, ब्लैकमेलिंग बना रखी थी। आज आम कश्मीरी नौजवान, उसका उसके लिए एक अलग कश्मीर होगा, और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा।